दिवंगत एक्टर इरफान खान की आखिरी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। वही तीसरी पूर्णि तिथि से ठीक एक दिन पहले 28 अप्रैल को फिल्म पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। अगस्त 2017 में स्विट्जरलैंड के 70वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था, जहां इसे ऑडियंस ने बेहद पसंद किया था। इरफान के बेटे बाबिल ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, प्यार, जुनून और विश्वासघात की एक दिल दहला देने वाली कहानी को जिंदा करते हुए। बता दें कि इस फिल्म का डायरेक्शन अनूप सिंह ने किया था। इरफान के निधन के बाद मेकर्स ने खुलासा किया था कि फिल्म को पहले सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन बाद में इसे पोस्टपोन कर दिया गया। ऐसे में करीब 6 साल बाद फिल्म को रिलीज किया जाना है। फिल्म में इरफान के अलावा गोल शिफ्ते फरहानी, वहीदा रहमान, शशांक अरोड़ा और तिलमोता शोम जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। बता दें कि फिल्म की कहानी एक राजस्थानी आदिवासी महिला नूरान के बारे में है, जो अपनी दादी से बिच्छू गायन के जरिए इलाज करने की एक प्राचीन कला सीख रही है। जब किसी को बिच्छू डंक मार देता है तो वह अपने गाने के जरिए उसका इलाज कर देती है। राजस्थान के रेगिस्तान में एक ऊंट व्यापारी आदमी यानी इरफान खान उसका गाना सुनते हैं और उसके प्यार में पड़ जाता है। इससे पहले दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाते, नूरान यानी गुलशिथे फरहानी के साथ एक हादसा हो जाता है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।